नमस्कार दोस्तों मैं हूं सीए निखिल गुप्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीएसटी में इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन सर्च और सबन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी किया है जीएसटी ऑफिशियल्स के लिए जो कि आपका जानने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस को इम्पेक्ट करता है साथ में यह आपके राइट्स भी डिफाइन करता है सो so फ्रेंड्स क्या ये इंस्ट्रक्शन जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही एस एस पे कई बार सी एस और साथ में डी तीनों डिपार्टमेंट की सर्च हो जाती है साथ में आपने ये भी देखा होगा कि जी में समन्स बहुत रूटीन वे में इशू किए जाते हैं जबकि इशूइंग अ समन इज़ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग फिर भी बहुत कैजुअल वे में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए भी समन इशू कर दिए जाते हैं तो इसी सब को लेके सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी किया है आइए जानते हैं क्या है पहला पॉइंट जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी उसको अप्रूव प्रिंसिपल कमिश्नर करेंगे विदाउट अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी इनिशिएटेड साथ में फ्रेंड्स जब भी कोई एक डिपार्टमेंट किसी भी एस का रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसको ये पता लगता है कि दूसरा जीएसटी डिपार्टमेंट चाहे वो एस हो चाहे वो डी हो वो भी उस पर्टिकुलर एस का रिकॉर्ड बेस्ड इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपस में डायलॉग करना होगा सामंजस्य बैठाना होगा कोऑर्डिनेशन करना होगा कि केवल एक ही डिपार्टमेंट उस इन्वेस्टिगेशन को करे और साथ में उसे कंक्लूजन तक लेके जाए ऐसा नहीं है कि तीनों डिपार्टमेंट अपनी अलग अलग प्रोसीडिंग कर रहे हैं और तीनों ही उस पर उस पर्टिकुलर एस एस पे एक्शन ले रहे हैं अब ऐसा नहीं होगा साथ में फ्रेंड्स समन फ्रेंड्स समन से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इंस्ट्रक्शन कहता है कि समन के नॉट बी इशूड इन अ रूटीन वे फॉर आस्किंग कैजल इन्फॉर्मेशन अब ऐसा समन नहीं आ सकता दैट वेर एन ऑफिसर इज मेकिंग अस टी इंक्वायरी और वेर एन ऑफिसर इज मेकिंग एन इंक्वायरी रिलेटेड टू टैक्स एवेजन ये ऐसे समन अब नहीं आ सकते समन हैज टू बी इशू स्पेसिफिक वो बताएगा कि किस मैटर पर समन दिया गया है क्या जाँच हो रही है और एस आई सी से क्या इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है साथ में जो इंफॉर्मेशन पोर्टल पर अवेलेबल है उससे रिलेटेड समन इशू नहीं हो सकता जैसे आप अपने थ्री बी और वन लेके इस डिपार्टमेंट में सुबह ग्यारह बजे उपस्थित हो जाएं अब ऐसे समन नहीं आएंगे साथ में फॉर्मेट भरने के लिए या प्रोफोर्मा भरने के लिए समन इशू नहीं किया जा सकता जैसे आपने पिछले पाँच साल में अपने जी एस टी आर वन थ्री बी और बुक्स में कितना टर्न दिखाया है कितना आई टी सी क्लेम किया है ये हमें इस फॉर्मेट पर भर के भेजिए ऐसे समन इशू नहीं हो सकते साथ में फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन ये भी कहता है फॉर रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरीज समन नॉट बी इशूड जैसे किसी टैक्स पेयर से पूछा जाए कि आपके कितने सप्लायर फेक इन्वाइसिंग में या बोगस इन्वाइसिंग में इन्वॉल्व हैं उसकी डिटेल दीजिए ऐसे समन इशू नहीं हो सकते साथ में अगर आपने कोई आईटीसी क्लेम किया है तो आपसे यह नहीं पूछा जा सकता है कि क्या जो आपने आई क्लेम किया है वो प्रॉपर है सही है या नहीं इस तरह के समान आपके पास में नहीं आ सकते साथ में जो समन है उसका जो प्रोफोर्मा है वो रिटर्न होगा वेल डॉक्यूमेंटेड होगा और विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर उसके अप्रूवल के बाद ही आपको समन इशू किया जाएगा साथ में समन होलिस्टिक होगा मीन्स एक समन एक ही बार में पूरी इंफॉर्मेशन मांगेगा ऐसा नहीं है कि आप एक टैक्स पेयर को बार बार बुला रहे हैं पीसफुल में इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं ऐसा नहीं होगा साथ में फ्रेंड्स अगर कोई समन इशू हुआ है उसके दौरान स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं या फिर कोई जीएसटी रेड हुई है सर्च हुई है या इंस्पेक्शन हुआ है उसकी जो भी कार्रवाई हुई है इंक्लूडिंग पंचनामा वो आपको विद इन फोर डेज अपने पोर्टल पे डिपार्टमेंट को अपलोड करनी होगी अपने हायर ऑफिशल्स के लिए जिससे कि कोई भी मेल प्रैक्टिस का स्कोप खत्म हो जाए कोई भी इन्वेस्टिगेशन है वो दैट हैज़ टू बी कंक्लूडेड विद इन एन ईयर एक साल से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगी साथ में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इमिडिएटली शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा शो कॉज नोटिस को आप डेफर नहीं कर सकते और अगर किसी इंस्पेक्शन या सर्च में कहीं कोई भी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल नहीं पाई गई है तो आपको यह अपलोड करना पड़ेगा दैट नो ऑब्जेक्शन नो नथिंग ऑब्जेक्शनेबल वॉज फाउंड ड्यूरिंग द सर्च फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्शन है जो कि आपके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कंफर्म करता है और साथ में डिपार्टमेंटल ऑफिशल्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन के रूप में ये काम करेगा और साथ में अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी क्वेरी है जीएसटी में देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेरी को मैंशन कर लिए करिए वी विल बी वेरी हैप्पी टू टू यू थैंक यू